कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ पल्लवपुरम की एक बड़ी आबादी इन दोनों सड़क पर धरना दे रही है। 3 माह हो चुके हैं लेकिन सुनवाई के नाम पर सब सेवा। मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के बाद जनप्रतिनिधियों व CM पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है लेकिन सभी तरफ से कार्रवाई के नाम पर डाके 3 पार्टी रहे। यह धरना चल रहा है इंडस वैली प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ। इसके कर्ता धर्ता अजय गुप्ता है। आरोप है कि अजय गुप्ता मेरठ विकास प्राधिकरण की कॉलोनी के रास्ते वे अन्य सुविधाओं को अपने हित में इस्तेमाल करने में लगे। बिल्डर की प्रस्तावित कॉलोनी का पल्लवपुरम फेस फर्स्ट की दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया जा रहा है। इसका कॉलोनी वासियों ने विरोध किया तो मेरठ विकास प्राधिकरण कॉलोनी वासियों के इन तर्कों को सही पाते हुए दीवार के तोड़े गए हिस्से की मरम्मत करा दी। लेकिन कॉलोनी वासियों का खुला आरोप है कि कुछ समय बाद ही कानूनी दांव पेचों में मामले को उलझाकर बिल्डर ने उप जिलाधिकारी सरधना पंकज प्रकाश राठौर से एक आदेश करा दिया जिसमें कहा गया है कि यदि दीपक शर्मा द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के मुताबिक सार्वजनिक मार्ग अराजक तत्वों द्वारा अवरुद्ध किया गया है तो मार्ग अवरोध मुक्त कर दिया जाए। यहां अपनी निजता व गोपनीयता को दांव पर लगाने वालों को अराजक तत्व SDM द्वारा बता दिया गया, यानी के जो विरोध कर रहे हैं कॉलोनी वासी। इसके बाद वहां गेट भी लगा दिया गया और इसके विरोध में भी कॉलोनी वासियों ने फ्लाइंग के पोस्टर अपने दरवाजों पर इन दिनों लगा दिए हैं। विरोध की ही इस नीति के तहत लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की भी उन्होंने चेतावनी दी थी लेकिन प्रशासन व भाजपा जनप्रतिनिधियों द्वारा न्याय दिलाने के आश्वासन पर कॉलोनी के वासिंदों ने मतदान में हिस्सा लिया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और अब उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। कॉलोनी के जिम्मेदार वासिंदों ने 3 माह से धरना चलने के बावजूद मीडिया द्वारा कवरेज न करने पर भी भारी नाराजगी जताई है। कारण पूछने पर उन्होंने साफ कहा कि सब बिल्डर ने मैनेज कर लिया है। आज FirstBite.tv की टीम ने मौके पर पहुंची तो उन्हें यह नजारा देखने में आया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। देखिए जी सर, बताइए क्या विवाद चल रहा है इस समय? विवाद यहाँ इस बात का है कि ये पल्लवपुरम फेज 1 का जब विकास शुरू हुआ तभी यहाँ MDA ने इस कॉलोनी की प्रोटेक्शन के लिए इसके दक्षिण में जहाँ हम बैठे हैं इसके जस्ट पीछे एक बाउंड्री वॉल बनाई थी। वो बाउंड्री वॉल पिछले 35-40 साल से चली आ रही थी लेकिन कुछ दिनों पहले बिल्डर हैं एक अजय गुप्ता जो शील कुंज के भी डेवलपर हैं, उन्होंने यहाँ ये पीछे वाली ज़मीन इंफ्रास्टेट नाम की एक किसी कंपनी से खरीदी और उसके बाद उन्होंने इस नई विकास की जाने वाली जो वो है कॉलोनी उसके लिए ये सोचा कि ये बना बनाया मार्ग 24 मीटर का रास्ता और जो सीधे डिवाइडर पे जाता है यदि ये उसे मिल जाता है प्रवेश मार्ग के रूप में तो उसकी कॉलोनी के रेट बढ़ जाएंगे बड़े आराम से और फटाफट बिक जाएगी। उसने सब षड्यंत्र करके इसकी दीवार को तोड़ने का प्रयास किया, एक बार और एक बार तोड़ ली लेकिन जब यहाँ के कॉलोनी वालों ने इसका विरोध किया और गलती उसकी थी ही तो MDA केयर इनके सबके प्रयास से और प्रशासन के प्रयास से ये दोबारा बन गई। दोबारा मैंने दीवार का ये गेट जितना हिस्सा इसने तोड़ा था वो हिस्सा फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो गया। उसके बाद इसने फिर एक सेक्शन दो एक एक वाद प्रस्तुत किया सिविल वाद न्यायालय में 242 नंबर का। उसमें इसने मांग की कि साहब मैंने ये रास्ता मैंने ये जगह खरीद ली है और इस ज़मीन के लिए ये रास्ता मुझे दिया जाए। उसके बारे में इसने कई तरह के तर्क कुतर्क प्रस्तुत किए जिनमें कोई दम नहीं था। वो केस चल ही रहा था कि इसने बीच में फिर 6C2 एक प्रोसीजर कोड का
सेक्शन है उसके अंतर्गत इसने एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाई और उसमें इसने मांग करी वही तर्क देते हुए जो उसने 242 में दिए थे ओरिजिनल में कि मेरा सुनवाई जल्दी करनी चाहिए साहब, इसको जल्दी निपटा दिया जाए। कोर्ट ने उसको निपटाने के टाइम पर लिखा कि आपने जितने तर्क दिए हैं ये लचर हैं और इसमें कोई दम नहीं है और आपने सुविधा की जो बात पक्ष मांगा है वो भी आपके पक्ष में नहीं जाता है, इसलिए ये निरस्त कर दिया जाता है और ये पोषण योग्य नहीं है। एसडीएम के पास गया, एसडीएम से जो कुछ भी इनकी डील हुई हो, एसडीएम ने एक आदेश जारी किया जो कतई किसी भी प्रकार से आदेश है ही नहीं, शून्य है। उसके अंदर ना तो इस बात का उल्लेख है कि वो कौन से सेक्शन में, कौन से अधिनियम के अंतर्गत, कब कहां से ताकत उसको वो उस तक पास करने की मिल रही है। ऐसे जैसे सड़क पर खड़े हुए कहीं कोई आदेश लिख देता है, ना उसमें कार्यालय लिखा है कहां से जारी हुआ और नीचे हस्ताक्षर भी उसमें उप जिलाधिकारी के हैं, तो उप जिलाधिकारी को एक्ट में कहीं कोई अधिकार ऐसा प्राप्त नहीं है, उप जिलाधिकारी ऐसा कोई आदेश नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि धारा 133 के अलावा उसको 142, 144, 137 इनमें अधिकार है एसडीएम को, लेकिन वो सारे सेक्शन इससे मेल नहीं खाते। 133 में लिखा हुआ है सशर्त आदेश होता है, सशर्त आदेश है उसमें शर्त के साथ आदेश जारी होता है, ऐसे नहीं होता। उसमें यह भी होता है कि उपद्रव हो रहा हो, उपद्रव की आशंका में भी नहीं होता, हाँ उपद्रव हो रहा हो ये आशंका है उस पर भी नहीं होता। फिर इसके अलावा 133 में किसी व्यक्ति विशेष या किसी गुट विशेष, वर्ग विशेष के लाभ या दोनों के बीच के विवाद के लिए भी नहीं होता। इस तरह की सारी बातें साफ साफ उसके अंदर एक्ट के अंदर लिखी हुई है, फिर भी उसने एक आदेश ये पारित कर दिया। क्या उस जमीन के लिए, जमीन में जाने के लिए और भी रास्ते हैं या केवल यही एक रास्ता? तीन रास्ते और हैं, एक रास्ता, दो रास्ते तो उसके उसी कॉलोनी में से हैं जिसका वो बिल्डर पहले से उसने बना रखी है, अपनी कॉलोनी से क्यों नहीं जोड़ लेता इसको, उसकी बाजू में ईस्ट में उसकी कॉलोनी लगी हुई है, उसने जोड़ करके उसको स्ट्रेट हाईवे चाहिए। क्योंकि ये विवाद एक लंबे समय से चला आ रहा है, तो ये भी जानकारी में आया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कुछ डिसीजन दिया था उसने दीवार बनाने का या कुछ। उन्होंने ये कहा था, ये आदेश है वो, उन्होंने ये कहा था कि ये दीवार पहले से थी और इस दीवार के रहते हुए ही लोगों को ये आवंटन किया गया था और ये सब बिल्डर की गुंडागर्दी के बारे में पेपर्स में भी बहुत सारा निकला था कि ये इन्होंने तोड़ दी और इसका दीवार का फिर निर्माण फिर से शुरू हुआ, दीवार पुनः उनके आदेश से उन्होंने एक्चुअली ऑफिस से आख्या मंगाई, ये ऑफिस ने आख्या दी और उसके बाद उन्होंने इस पर लिखा कि ये शांति बनाई रखी जाए और उनको बनाने का अधिकार दिया जाए, तो बन गई। अभी चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए तो उस दौरान भी यहाँ से पल्लवपुरम से आवाज आई थी कि आप लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का डिसीजन लिया है। हमारे कम से कम 250 लोग उसमें पार्क में, सप्तऋषि पार्क में इकट्ठे हुए थे और एक स्वर से सब लोगों ने हाथ खड़े करके ये निर्णय लिया था कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आप चुनाव का बहिष्कार मत करिए। इन सब बातों को देखते हुए फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि चुनाव का बहिष्कार वापस लिया जाता है, उस संकल्प को हमने वापस ले लिया। भूख हड़ताल कर देंगे, यही बैठ देंगे, अपनी जान दे देंगे ना, लेकिन दीवार बनवा कर देंगे। दीवार बनेगी। आप लोग क्यों चाह रहे हैं दीवार बने? क्यों चाह रहे हैं? सुरक्षा नहीं है हमें, उनके गाड़ी दौड़ेंगी, शराब पी पी के यहाँ नाचेंगे भागेंगे सारे हमारे, हम वे हो जाएंगे हमारी बहू के। आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? हमें 32 साल हो गए। 32 साल यहाँ पर रहते हैं। 32 तब यहाँ पर दीवार थी? हाँ थी। तब से दीवार चली आ रही है। कब तोड़ी गई है? ये तोड़ी गई है 12 फरवरी। हाँ 12 फरवरी। तब से ही आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बराबर, चाहे गर्मी हो या बरसात हो या जाड़े हो, यही बैठे हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 84। उसके बाद इतनी उम्र के बावजूद भी आप धरने पर बैठे? बैठी हूँ और बैठी रहूंगी और बहु बेटियों में यही बैठा हूँगी, एक नहीं जा सकती। देखिए मेरा नाम गौरव मलिक, एडवोकेट गौरव मलिक, मैं पल्लवपुरम में लगभग मैं 35 वर्षों से यहाँ रहता हूँ। जो भी आप जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये केवल एक छोटा मुद्दा नहीं है,
ये बिल्डर लगभग अब से 12-14 साल इसको लगभग यहाँ पर आए हुए हुए हैं और इसने पूरे पल्लवपुरम क्षेत्र की जहाँ की आबादी आज लगभग 60,000 है, हमारे दोनों पल्लवपुरम फेस वन फेस टू मिलाकर लगभग यहाँ 32,000 वोटर है, उसकी शांति को भंग कर रखा है। इसने पूर्व में भी हमारी डिवाइडर रोड पर एक गेट तोड़ लिया जबरदस्ती, थोड़ा सा संख्या वहाँ पर कम थी, लोगों ने ज़्यादा मतलब उसको विरोध नहीं कर पाए और वहाँ जबरन धोखे से इसने गेट लगा लिया। आज आलम यह है कि वहाँ इसके बाउंसर और गुंडे हमेशा उस गेट पर रहते हैं, इधर से लोग उधर नहीं जा सकते और उधर से लोग शराब पी के रात को गाड़ियों की रेस करना, स्टंट करना, अनेकों हमारे बुजुर्गों का एक्सीडेंट हो चुका, तो उस सब चीज़ों को हमारे संज्ञान में है, उसकी पुनरावृत्ति ना हो इसलिए हम लोग आगे इसकी इस तरह की जो भी इसकी गुंडागर्दी है उसको रोकना चाहते हैं, एक बात। नंबर दो बात, इसको सारे संसाधन पल्लवपुरम के जो पके पकाए संसाधन है, जो सरकारी संसाधन है बिना खर्चे के, इसको वो चाहिए। जो आदमी लगातार सरकारी संपत्तियों को कब्जा करना, गुंडागर्दी करना, कहीं भी दीवार तोड़ देना, किसी भी बुजुर्गों के साथ बदतमीजी कर देना, अभी इसी प्रकरण में हमारे पास वीडियो क्लिप भी उपलब्ध है, हमारा स्थानीय पार्षद जो है यहाँ पर उसके साथ 12 तारीख को जिस दिन ये तोड़ी गई है हाथापाई मारपीट करी गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद इसने अपनी ताकत दिखाते हुए प्रशासन को अपने तरीके से मैनेज करते हुए आज तक उसमें मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा किसी को? मलिक साहब, मेरा इस बीच में एक सवाल ये भी है कि जो बिल्डर हैं जी, वो आपका ये कहना है कि पकी पकाई ही उनको सारी चीजें मिल रही हैं जी, जैसे वो अपना सीवर लाइन इसमें जोड़ रहे हैं या सड़क जोड़ रहे हैं जी, तो इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आप सब कुछ जानते हैं किस तरह चीजें मैनेज होती हैं, उसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर चला और आज स्थिति ये हुई कि कम से कम जो बीच सड़क को फाड़ कर जेसीबी से, इनके बड़े बड़े पाइप अभी पड़े हुए हैं अगर आप मौके पर जाके देखेंगे, लेकिन अभी वो थोड़ा साइड में करके इन्होंने कर दिए, उस जीत को भी हमने हासिल करा क्योंकि वो भी चीज़ इसकी गलत थी, तो वो लाइन हम लोगों ने रुकवा दी। बार बार नए नए टेंडर करके उस लाइन को डालने की कोशिश हुई लेकिन लास्ट में सारी चीजों को, क्योंकि गलत थे वो लोग, उनको पीछे हटना पड़ा। पोर्टल पे भी किया और पोर्टल पे जब फोन किया तो उन फोन उठाया जिसने पिक किया, उन्होंने बोला वो तो गेट उन्होंने अपनी वॉल पे लगा, अपनी दीवार अपनी उस पे लगाया हुआ है बाउंड्री पे जमीन पे, और वो ये जो गेट लगाया उन्होंने हमारी जो वॉल है उससे थोड़ा सा इधर को हटके करा, इतना सा थोड़ा सा उस बाउंड्री पे नहीं है, तो ये बात भी योगी के पोर्टल पे जो वो बैठे हैं फोन पे वहां तक पहुंची हुई है। हमें नहीं पता योगी के पास पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन योगी के जो पोर्टल पे जो ऑफिस में जो बैठे हुए फोन पिक कर रहे हैं उन्हें तो पता है। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि वो गेट हाँ जी उन्होंने अपनी जगह पे लगाया, हाँ जी, तो थोड़ा सा तो क्या जैसे ये सोसाइटी की जो आपकी कॉलोनी है उसकी जो जगह है उस पर हम लोग दीवार नहीं खड़ी कर सकते? एक दिन यहाँ सफाई करने के लिए बुलडोजर आ गया और यहाँ आया और पुलिस 5 मिनट में आ गई, तब तो 2 घंटे में भी पुलिस नहीं आई। उस दिन यहाँ सफाई करने के लिए बुलडोजर आया तो पुलिस आ गई। हमने तो ये साफ दीवार के लिए हम लोगों ने ईंटे मंगवाई थी, सीमेंट भी था, रेत भी था, टूटने से मतलब हमारी तो बनवा दो, हमारी उनका गेट लगा रहे, हमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, दीवार जो है जब डीएम ने हमें आश्वासन दिया है और हम ठीक हैं तो वो हमारी दीवार बनवा दे, गेट लगा रहे हमें क्या फर्क पड़ता है? मेरा नाम अश्विनी कुमार शर्मा है, मैं आरडब्ल्यूए अध्यक्ष हूँ यहाँ का। मेरा कहना ये है कि ये दीवार जो थी 32-36 साल से दीवार थी, अब हमने इसको उसने तोड़ा किसी ने XYZ, वो हम नहीं कह सकते, हमने एक ऑर्डर करा के VC से ऑर्डर कराए तो दीवार को प्रशासन ने बनवाया, यहीं खड़े होकर तहसीलदार MDA के 2 JE खड़े रहे और उसमें दीवार बनवाई गई, दीवार बन गई, कोई विषय नहीं रहा। उसके बाद अब एक बुलडोजर ला के वो दीवार को तोड़ रहा है और दीवार भी टूटी तो देख लीजिए किस तरह से टूटी हुई है। किसने दीवार तोड़ी? ये शीलकुंज के बिल्डर ने, अजय गुप्ता ने। जैसे अभी आपने पहले बताया ना कि आपको नहीं मालूम कि किसने तोड़ी है, तो वो नहीं, वो पहली दीवार जो थी पिछली बार जो हमने बनवाई थी वो भी मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि जिसकी जमीन थी वो एक दीवार नहीं थी, वो घट्टी टाइप था और निकलने का रास्ता था उसको
कि भाई वही जमीन है इसकी किसान की, वो कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं था। वो आप इसके अध्यक्ष हैं यहाँ का जी, अब आपका आगे क्या रणनीति? हमारा तो कहना यही है जी कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम यहाँ भूख हड़ताल भी करेंगे, और जब तक हमारी ये दीवार नहीं बन जाएगी जब तक हम चैन से नहीं बैठे। आप बिल्डर को ये रास्ता नहीं देने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देने जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना है, आप देखते रहिए।